बच्चों, हमने टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसको अभी तक यहाँ तक पढ़ा था कल, आज हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व श्रेकिंग श्रीली। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, तब वह पूर्ण रूप से भूल गया था दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह हमेशा उड़ने में सफल नहीं हो पाएगा। मतलब जो पहले उसे ऐसा लगता था कि वह कभी भी उसे सदैव ऐसे ही रहना पड़ेगा, वह कभी उड़ नहीं पाएगा, वह इस बात को भूल गया था, वह इस बात को पूर्ण रूप से भूल गया था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने स्वयं की प्रशंसा की। कमेंड, कमेंड में होता है प्रशंसा करना, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं। टू डाइव, डाइव मीन्स गोता लगाना, एंड सोर ऊंचाई पर उड़ना, एंड कर्व, कर्व मीन्स वक्र कहते हैं, यानी वक्राकार गति करना। श्रेकिंग श्रीली, तेजी से चिल्लाना, चीखना, ये चीज़ें जब उसने की, मतलब ऊंचाई पर उड़ना, वक्राकार गति में उड़ना, डाइव लगाना, इन चीज़ों के लिए उसने खुद को कमेंड किया, यानी खुद की प्रशंसा की। ही वॉज नियर द सी नाउ, ही वॉज नियर द सी नाउ, वह अब समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उससे ठीक ऊपर से सीधे उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और जो महासागर था उसके ऊपर से वह सीधी उड़ान भर रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी, उसने देखा एक विस्तृत हरा समुद्र, बीनीथ हिम, अपने नीचे। जब वह समुद्र के पैरेलल उड़ रहा था तो उसने अपने नीचे एक विस्तृत हरे समुद्र को देखा। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, वह अपने छोटे से पंखों की मदद से इसके ऊपर से उड़ रहा था। ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक, उसने अपनी चोंच मोड़ी, साइड वेज, दोनों साइड, बाईं और दाईं ओर, एंड कॉर्ड अम्यूज्डली, अम्यूजमेंट से बना है, अम्यूज्डली मीन्स मनोरंजन के साथ, कॉर्ड मीन्स कैं कैं की आवाज़ करने को कॉर्ड कहते हैं, और वह अपनी चोंच को बाईं और दाईं ओर मोड़ रहा था, और मनोरंजन यानी उल्लास के साथ वो कैं कैं की आवाज़ कर रहा था। आगे हैं, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, दे वर बेकनिंग टू हिम, कॉलिंग श्रीली। ही ड्रॉप्ड हिज लैक्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लैक्स सेंक इन टू इट, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। हिज फीट सेंक इन टू द ग्रीन सी
एंड देन हिज बैली टस्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके माता पिता और उसके दो भाई एंड सिस्टर, उसकी एक बहन, हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे. ग्रीन फ्लोरिंग मीन्स हरी फर्श. अब हरी फर्श मीन्स समुद्र की सतह, पर उससे आगे समुद्र की सतह पर वो लैंडेड उतरे थे, यानी उन्होंने जो उड़ान भरी उसका जो अवसान था कहाँ था, समुद्र की सतह पर था. दे वर बेकॉनिंग टू हिम. बेकॉनिंग मीन्स होता है संकेत देकर बुलाना. वे उसे संकेत से बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली, जोर जोर से चीख रहे थे, उसे जब पुकार रहे थे तो जोर की पुकार उसे दे रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने भी अपने पैरों को लटका दिया टू स्टैंड, खड़े होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, किस पर, उस समुद्र, उस हरे समुद्र पर उसने भी अपने पैरों को खड़े होने के लिए लटका दिया. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, जैसे ही उसने अपने पैरों को इस समुद्र की सतह पर खड़े होने के लिए लटकाया या रखा, वे समुद्र की समुद्र में उसके पैर डूब गए. ही स्क्रीम्ड द फ्राइट. फ्राइट मीन्स भय. वह भय से चिल्लाया. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और उसने दोबारा उठने की कोशिश की. फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने दोबारा उठने की कोशिश की. बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह तो थका हुआ था. एंड वीक, और कमज़ोर था. विद हंगर, भूख से वह खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था, कमज़ोरी उसमें आ गई थी. एंड ही कुड नॉट राइज, और वह नहीं उठ सकता था. एग्जॉस्टेड, वह थका हुआ था. एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड. वह थका हुआ था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस प्रकार की विचित्र कसरत के कारण वह थका हुआ था. विचित्र प्रकार की कसरत का अर्थ क्या है? समुद्र के ऊपर से उड़ना, उसको छूना, और फिर समुद्र की सतह को छूकर ऊपर की ओर मस्ती को पकड़ते ऊपर की ओर आड़ना, ये उसके लिए एक विचित्र अनुभव था. और वह इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद बहुत थका हुआ था. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वे हरे समुद्र में डूब चुके थे. एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और जैसे ही उसके पैर समुद्री सतह से यहाँ नीचे डूब चुके थे, तो उसका जो बैली था, बैली मीन्स पेट, पेट कहाँ था, समुद्र की सतह पर था. टच्ड इट, इस सतह को उसके पेट ने छुआ. एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब हो जैसे उसकी बैली कहाँ लगी, समुद्र की सतह पर लगी, अब हो नहीं डूब रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इस पर तैर रहा था. एंड अराउंड हिम, और अपने चारों ओर, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके चारों ओर उसकी जो उसका जो परिवार था वह चिल्ला रहा था. प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. स्क्रैप्स मीन्स टुकड़े, डॉग फिश मीन्स होता है एक प्रकार की मछली जो कुत्ते के समान दिखती है, उसके टुकड़े किसको ऑफर कर रहे थे, इस यंग सीगल को, उसके परिवार के जो अन्य सदस्य थे, यानी माता पिता, दो भाई और एक बहन, वे उसे डॉग फिश के टुकड़े भी ऑफर कर दे रहे थे. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने
अपनी प्रथम जो उड़ान थी वह पूरी की। तो फर्स्ट फ्लाइट में आज इतना ही, जो पहला पार्ट था उसको हमने पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल लिखाऊंगा, और आज का टाइम मिलेगा तो मैं इसकी वर्ड मीनिंग भेज दूंगा आपको। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट के पहले वर्ड मीनिंग, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे आप।